जी बच्चों, हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। और रिलेटिव प्रोनाउंस आपको पता है हु, विच और दैट होते हैं। हु, विच, दैट के अंदर हम फोकस करेंगे विच के ऊपर और दैट के ऊपर। विच कहाँ पे यूज होता है और दैट कहाँ पे यूज होता है, इनके कुछ अगर आप फर्क कर लें या आप उसको पता कर लें या इसको समझ लें कि कैसे होता है तो आसानी हो जाएगी। सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होती है, ये नॉन एसेंशियल क्लॉज या नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, ये एक ही नाम है। जब भी ये यूज होंगे इसके साथ क्या लगेगा, कॉमा। जैसे दिस इज द बुक विच वॉज लॉस्ट, अब यहाँ पर मैंने द बुक लगाया और ये बुक नाउन है, इसके बाद मैंने यहाँ पे विच लगाया, विच से पहले क्या लगा दिया, कॉमा। इसका मतलब है दिस द बुक विच वॉज लॉस्ट में ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आई नो ऑलरेडी विच बुक यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। इसी तरह से जो दैट होता है वो डिफाइनिंग क्लॉज होती है, या वो एसेंशियल क्लॉज होती है, या वो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होती है। इसका मतलब ये है कि जब आपने उसकी इंफॉर्मेशन देनी, किसकी, द बुक की। जैसे ये देखिए, ये द बुक नाउन है, उसके बाद आपने आर्टिकल लगाया, ये आर्टिकल सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया, और उसके बाद आपने डायरेक्ट वर्ब यूज किया। अब जब आप लिखोगे दिस इज द बुक दैट वॉज लॉस्ट, इसका मतलब ये है कि राइटर बताना चाहता है कि मैं किस बुक की बात कर रहा हूँ। अब आप पूछे सर ये भी तो सेम है, द बुक है और ये भी द बुक है, लेकिन यहाँ पर द बुक डिफाइन कर रही है कौन सी किताब, और यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रही, यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर होगी बात यहाँ पे। दूसरा बड़ा फंक्शन ये है कि जब भी आपने डिफाइन करना है कि मुझे यह यूज करना है, विच कहाँ यूज होगा, अगर उससे पहले प्रेपोजिशन लगा हुआ है तो हम कहते हैं इन विच, अबाउट विच या फॉर विच, इसके साथ आर्टिकल द या रिलेटिव प्रोनाउन द इस्तेमाल, सॉरी दैट इस्तेमाल नहीं होगा। इसके अलावा विच इज यूज फॉर ऑप्शन, जैसे ऑफ द टू प्लेयर्स विच इज बेटर, हु इज बेटर नहीं होगा। हालांकि सर ये प्लेयर है तो इसके साथ हु लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, विच। इसी तरह से ये वाले वर्ड वो हसनान के साथ याद कर लें, वो हसनान के तौर पर क्या कर लें, याद कर लें। जैसे द होल, ये डब्ल्यू होल के लिए, ओ ओनली के लिए, एच ह्यूमन के लिए, ए ऑल के लिए, एस समथिंग के लिए, अगला जो एस है वो सुपरलेटिव डिग्री है द बेस्ट के साथ, एन जो है या जो ये जो एन है ये नथिंग के लिए, ये वाला एन जो है वो नन के लिए, ए जो है वो एनिमल के लिए इस्तेमाल हो। उसके बाद आपने आप जो है रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही इस्तेमाल करेंगे, जैसे ऑल दैट, जैसे समथिंग दैट, तो दैट इस्तेमाल होगा। ये आपके लिए एक रहनुमाई हो जाएगी कि यार मैंने दैट का इस्तेमाल करना है और विच का इस्तेमाल करना है। एक और चलते चलते जल्दी बात आपको समझना चाहिए कि दैट के चार फंक्शन है। यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, कहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, कहाँ पर दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव है, कहाँ पर ये कंजंक्शन है। यहाँ पर जो दैट है ये नाउन से पहले आया हुआ है, इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। यहाँ पर नाउन नहीं है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर है, लेकिन यहाँ पर दैट जो है आप देखें ये नाउन है और ये वर्ब है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ। जैसे हमारे पास डेफिनेशन बनी है, फॉर्मूला है, अगर नाउन हो और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हो उसके बाद वर्ब, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब यहाँ पे हु आ सकता है, यहाँ पर विच आ सकता है और यहाँ पर दैट इस्तेमाल हो सकता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर दैट के बाद एक कंप्लीट क्लॉज आ रही हो, जैसे ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्लॉज है, तो ये जो दैट है ये कंजंक्शन बनता है और ये कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। आई होप सो कि ये चीजें आपको क्लियर होगी।